हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है फीस्ट फुल ऑफ वैगन्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी के शुरुआत में हमें तीन लड़के दिखाए जाते हैं जो फ्रेंड्स हैं। ये तीनों लड़के एक क्लब में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का अपने पास बैठी हुई लड़की को कुछ बातें बता रहा होता है। वो उसको बताता है कि उसकी सिस्टर जिम्मी का किसी ने मर्डर कर दिया और उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आज वो इस क्लब में आए हैं। और साथ ही वो अपने दोस्त काय के बारे में भी उस लड़की को बताता है कि काय के पास कुछ अलग ही पावर्स हैं, क्योंकि एक बार कुछ स्पिरिट से उसकी लड़ाई हुई थी और उन स्पिरिट्स ने उसको पावर दी थी। वो उसे ये भी बताता है कि काय आखिरी वो सू है जिसके पास बहुत सारी पावर्स है। और साथ ही ये लड़का ये भी जान जाता है कि ये जो लड़की है वो चाइनीज़ वैम्पायर की फैमिली से बिलोंग करती है और इसके पास भी मैजिकल पावर्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसकी इसी लड़की के साथ फाइट होती है और दूसरी तरफ क्लब में इसके दोस्तों की भी फाइट दिखाई जाती है। फिर दोनों फाइट्स में हम एक कॉमन चीज़ देखते हैं, वो ये कि जब ये लोग उस लड़के और लड़की के हार्ट पर अटैक करते हैं तो वो दोनों गायब हो जाते हैं और क्लब में मौजूद सारे लोग पोज हो जाते हैं जैसे कि उनके आसपास का वक्त ही रुक गया हो। फिर इनके पास एक पावरफुल इंसान के थ्रू एक मैसेज आता है। वो पावरफुल इंसान इन्हें खुद से मिलने के लिए बुलाता है और जब ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम हमसे क्यों मिलना चाहते हो तो वो पावरफुल इंसान बोलता है कि ये तो जब तुम लोग मुझसे मिलने आओगे तभी मैं तुम लोगों को बताऊँगा। और इसीलिए अब ये तीनों दोस्त उस पावरफुल इंसान से मिलने उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये जगह एक बहुत बड़ी कंपनी है जो उस पावरफुल इंसान की है और वो पावरफुल इंसान एक डॉक्टर है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा रिच भी है। अब वो पावरफुल इंसान इन तीनों दोस्तों को अपना नाम विलियम बताता है और इसके बाद वो इन तीनों दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम लोग उस इंसान को जानते हो जिसने ये पूरी दुनिया, कायनात और ये आसमान बनाया। फिर वो बताता है कि ज़मीन पर जो ये पहला इंसान था जिसने सब कुछ बनाया, उसे सब कुछ बनाने के बाद लालच आ गया पावर्स का, लेकिन तभी दूसरे अच्छे इंसान ने वू साओ की मदद से उस पहले इंसान को मार दिया। फिर वो उनसे बोलता है कि वू साओ की नस्ल अभी तक चलती आ रही है और अब वू साओ नस्ल का आखिरी आदमी बचा हुआ है और उस आखिरी आदमी के बाद वू साओ की नस्ल खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, हमने मूवी की स्टार्टिंग में ही जान लिया है कि यहाँ पर जो काय है वही वू साओ का आखिरी मेंबर है। फिर वो बताता है कि जब दुनिया के पहले इंसान को मारा गया था तो दो इंसानों ने उसकी मदद की थी ताकि उस पहले वाले ज़्यादा पावरफुल इंसान को नहीं मारा जाए, लेकिन फिर भी वो मर गया और वो दो इंसान जो उसके साइड थे वो आज तक उसके लिए लड़ रहे हैं और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला इंसान वापस आ जाए। इसके बाद वो हैरानी की बात तो ये बताता है कि उसकी खुद की बहन उन दोनों लोगों के लिए ये काम कर रही है। इसके बाद वो ये भी बताता है कि उसकी बहन खुद को इस शहर की मालकिन समझती है। और इसके बाद विलियम उनको बताता है कि उसकी बहन दूसरों की पावर्स को अपने अंदर कंज्यूम कर सकती है और ऐसा करके वो उस पहले इंसान को ज़िंदा भी कर सकती है। और फिर ये भी बताता है कि उसकी बहन आखिरी वू सू की भी एनर्जी को कंज्यूम करना चाहती है अपने अंदर और इसी वजह से वो काय को मारने गई थी, लेकिन वहाँ पर काय के दोस्त की बहन बीच में आ जाती है और उन दोनों के दरमियान एक फ़ाइट हुई जिसकी वजह से काय की दोस्त की बहन वहाँ मारी गई। और जब मेरी बहन ने काय के दोस्त की बहन को वहाँ मारा था तो उसने अपना थैलिसम वहीं छोड़ दिया था और उसका दूसरा थैलिसम मेरे पास है और ये इस बात का सबूत है आपके सामने कि मैं आपसे ये सब कुछ सच बोल रहा हूँ। इसके बाद विलियम उनसे कहता है कि अगर तुम लोग अपने दोस्त की बहन के मर्डर का बदला मेरी बहन से लेना चाहते हो तो तुम लोग उससे थ्राइस की मीटिंग में मिलो और वहाँ से तुम लोग उसे किडनैप कर लो। इसके बाद वो तीनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और काय अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं उस मीटिंग में तुम दोनों को मेरे साथ लेकर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत रिस्क है। लेकिन काय के दोस्त उसकी इस बात से एग्री नहीं करते, इसीलिए अब तीनों दोस्त उस मीटिंग में जाने का डिसाइड करते हैं। और अब इन तीनों को एक और लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम है प्रिया। अब वो चारों मिलकर उस मीटिंग में जाते हैं, वहाँ उन्हें कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन पता नहीं कैसे विलियम की बहन कू को खबर मिल जाती है कि वो चारों उसे किडनैप करने आए हैं और ये जानकर विलियम की बहन को बहुत गुस्सा आ जाता है।
और विलियम की बहन को जिनके साथ मीटिंग कर रही थी यानी अपने बॉस को वो मार देती है और उनकी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है और साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको पजेस कर लेती है यानी अपने कंट्रोल में कर लेती है और उन सभी को ऑर्डर दे देती है कि ये इन तीनों को मार दे। अब ये सब लोग अपने होश में नहीं थे इसीलिए वो कू के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और ये तीनों दोस्त इन सभी से बचकर यहाँ से निकल रहे थे। इन सभी में बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो काई पर गन पॉइंट करती है। दरअसल इस लड़की को भी कू ने लालच दिया होता है कि अगर वो काई का मर्डर कर देगी तो वो उसे बदले में बहुत सारी पावर्स देगी और फिर काई और इस लड़की के बीच में फाइट होती है। अब इन तीनों दोस्तों का इतने सारे लोगों से लड़ झगड़ कर निकलना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी ये लोग अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज़ करके यहाँ से बच निकलते हैं। अब विलियम की बहन अपने लोगों के साथ इन तीनों का पीछा करती है लेकिन बचते बचाते और भागते भागते ये लोग प्रिया के गांव पहुँच जाते हैं। प्रिया दरअसल इन तीनों लड़कों में से एक की दोस्त है। अब प्रिया गाँव पहुँच कर गाँव के पादरी से उन तीनों दोस्तों की मुलाकात करवाती है और ये पादरी काय को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी रक्षा करेगा। और हम देखते हैं कि इस गांव पर एक स्पेल था यानी कि एक मंत्र लगाया हुआ था जिसकी वजह से इस गांव के इर्द गिर्द एक सेफ्टी की शील्ड बनी हुई थी और इसी वजह से विलियम की बहन और उसके आदमी यहां पर इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मतलब कि ये लोग यहां पर एकदम से सेफ थे। अब रात को ये सब लोग डिनर करते हैं और बहुत खुश होते हैं और उसी डिनर टेबल पर इनकी बातचीत होती है जिसमें पादरी उनसे बताता है कि विलियम ने तुम लोगों से झूठ बोला है। दरअसल विलियम भी अपनी बहन के साथ में मिला हुआ है और इन दोनों का ही मकसद इस दुनिया के उस पहले इंसान को ज़िंदा करना या वापस लाना है और इसके बाद ये लोग इस दुनिया को नए सिरे से बनाएंगे। फिर वो पादरी उन्हें ये भी बताता है कि इन सब के लिए उन्हें काय की एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि काय वूसून की फैमिली से है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। फिर वो पादरी उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस गांव में लगा हुआ वो स्पेल तुम लोगों की रक्षा करेगा और इस गांव में उन लोगों को नहीं आने देगा और जब तक तुम लोग उनसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तुम लोग इस गाँव से बाहर नहीं जाना। अब ये लोग यहाँ एकदम सेफ थे लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब विलियम की बहन प्रिया को यूज़ करती है यानी कि उसे बहलाती फुसलाती है। वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली की डेथ हो गई थी और इसीलिए तुम इस गांव में इस पादरी के पास रहती हूँ लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली को वापस ला सकती हूँ। एक तरीके से वो प्रिया को लालच दे रही थी। वो प्रिया से कहती है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली वापस आए तो तुम्हें इस गांव से उस स्पेल को हटाना होगा और प्रिया लालच में ऐसा करती भी है। वो उस गांव से उस स्पेल को हटा देती है और साथ ही कू के कहने पर वो थैलीसम को भी चुरा लेती है और वो विलियम की बहन की हेल्प करती है उस गाँव में एंटर करने के लिए। अब वहाँ पर इन सब की फ़ाइट होती है और वो तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। इन तीनों दोस्तों को ये भी पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा प्रिया का है यानी कि प्रिया ने इन तीनों को धोखा दिया और वो थैलीसम भी उसने विलियम की बहन को ले जाकर दे दिया। अब इन दोस्तों के चले जाने के बाद यहाँ का पादरी उन लोगों से लड़ता है और वो लोग इस पादरी को मार देते हैं और इसके बाद विलियम की बहन प्रिया को पकड़ कर अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि हम तुम्हारी फैमिली को वापस लेकर आएंगे। अब ये तीनों बहुत परेशान थे और आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें एक अनजान लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसे हमें अपने ग्रुप में नहीं शामिल करना चाहिए था। फिर इनमें से एक दोस्त बोलता है कि अभी जहां पर विलियम ने अपनी कंपनी बनाई हुई है वहीं पर वूसू ने दुनिया के पहले उस इंसान को मारा था इसीलिए वो तीनों उस कंपनी वाली जगह पर जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात फिर से प्रिया से होती है। प्रिया उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे लालच में आकर उसने उनके साथ चीट किया और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है इसीलिए वो इन सभी से माफ़ी भी मांगती है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसको विलियम की बहन ने काय को मारने के लिए लालच दिया था वो अब काय को मारने के लिए तैयार हो जाती है और एक ज़बरदस्त फाइट उन दोनों के दरमियान होती है और इस वक्त काय उस ब्रेसलेट का यूज़ करता है जो उसे पादरी ने दिया था और सही में ये ब्रेसलेट काय की हिफाजत करता है और जब वो ब्रेसलेट उस लड़की को पहनाता है तो वो लड़की उस ब्रेसलेट की पावर को झेल नहीं पाती और वहीं मर जाती है।
अब हम देखते हैं कि विलियम भी इनके सामने आ जाता है। वो इनके साथ फाइट करता है और इनके एक दोस्त को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। साथ ही वो काय की सारी शक्ति को ऑब्जर्व करने में भी सफल होता है। फिर वो इन दोनों थैलेसम को ज्वाइंट करता है और दुनिया के पहले इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। अब विलियम की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो किसी भी इंसान को पजेस कर सकता था। अब वो काय के उस दोस्त को अपनी कंट्रोल में करता है जिसको उसने जख्मी कर दिया था, और इसके बाद काय और उसके दोस्त के बीच में वो फाइट करवाता है। और ये देखकर वो पहला इंसान बहुत ज़्यादा हंस रहा था, लेकिन वो अपनी पावर के नशे में काय की ताकत को भूल जाता है और काय अपने दोस्त को अपनी पावर की मदद से फिर से होश में ले आता है। और दूसरी तरफ प्रिया अपने दोस्त के साथ मिलकर उस थैलेसम को तोड़ देती है और ये पहला इंसान काय के साथ एक मैजिकल दलदल में गिर जाता है और वो अपने साथ काय को भी इस दलदल में खींच रहा था। इस दलदल की दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया थी, लेकिन उसके दोस्त उसको इस दलदल में नहीं जाने दे सकते थे, इसीलिए वो एक रस्सी की मदद से उसको बचा कर रखते हैं और काय का साथ देने के लिए उसका दोस्त भी उस दलदल में कूद जाता है। अब यहाँ पर इस दलदल में ये दोनों दोस्त मिलकर इस पहले इंसान से बहुत लड़ाई करते हैं। काय अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और इस पहले इंसान के दिल पर हाथ रखता है, जिसके बाद वो बहुत तड़पने लगता है और वो फिर मर कर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर इन दोनों दोस्तों को उनके दोस्त बाहर खींच लेते हैं और इस तरह से आखिरकार इन दोनों ने उस दुनिया के पहले आखिरी और उस बुरे इंसान को मार दिया। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम काय को देखते हैं जो अपने दोस्तों से बता रहा था कि उसे अब अपने अगले मिशन पर जाना है। इस मिशन में उसे एक जादूगर को हराना है जो इस पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, और वो मिशन भी इस मिशन के सिमिलर ही है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।